वंस अगेन दुबई मेट्रो के साथ आज हम जाने वाले हैं दुबई फ्रेम पर। दुबई फ्रेम अगेन दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेम है और इसके लिए जो मैंने मेट्रो का स्टेशन जिस स्टेशन पे मैं उतरा हूँ वो है मैक्स स्टेशन के नाम से, यहाँ पर आप उतर सकते हैं। यहाँ से इसके बाद कितना डिस्टेंस है वो सब आपको बताते हैं और दुबई फ्रेम पर आप कैसे जा सकते हैं और दुबई फ्रेम पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, कौन कौन से नज़ारे मिलते हैं सब आपको बताते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुनिया के सबसे बड़े फ्रेम के नीचे, दुबई फ्रेम, जिसके बाद अब तक दुनिया का लार्जेस्ट फ्रेम होने का रिकॉर्ड मौजूद है। दुबई फ्रेम आपको मिलता है दुबई में ज़बील पार्क और अगेन मेट्रो इन दुबई की सीरीज़ के अंदर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आने के लिए भी मैंने मेट्रो को यूज़ किया। टिकट के बारे में बता दूँ, टिकट आपको यहाँ से भी मिल जाती है जो कि 50 दिरहम की है। उसके बाद जैसे ही आप दुबई फ्रेम में अंदर एंटर होते हैं तो ये हाली सिर्फ एक लैंडमार्क नहीं है बल्कि इसके अंदर आपको दुबई का पास्ट, दुबई का प्रेजेंट और दुबई का फ्यूचर तीनों चीज़ें मिलती हैं, तीनों की झलक आपको मिलती है। जैसे ही आप एंट्री लेके अंदर एंटर होते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पर आपको दुबई का पास्ट, तो सारी वो पुरानी चीज़ें, पुराना कल्चर, वो मिट्टी की दीवारें, पुराने पुराने घर बन अंदर दिखाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको देखते देखते आप लोग लिफ्ट की तरफ जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ता है ताकि जब लोग इकट्ठे हो जाएं तो वो फिर लिफ्ट एक दफ़ा ऊपर लेकर जाते हैं। फिर लिफ्ट आपको जो है वो इसका मतलब तकरीबन 400 and something फिट इसकी ऊंचाई है, तो वहाँ तक आपको फिर लिफ्ट लेकर जाती है। फिर लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही जो बिल्कुल सामने आपको नज़र आता है आपके आगे, वो है एक वॉकवे जो कि शीशे का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट शीशे का है। उसके ऊपर जो चलने का है वो भी एक अपना एक इंटरटेनमेंट है, उसके ऊपर चलना भी, तो आप उसके ऊपर वॉक करते करते इस सारे जो फ्रेम का नज़ारा लेते हैं। और फिर इसी तरह आपके दाएँ तरफ जो है वो डाउनटाउन का एरिया या आप मॉडर्न दुबई कह सकते हैं और आपके लेफ्ट साइड पर जो है ओल्ड दुबई, सारा पुराने दुबई का आपको इलाका या नज़ारा नज़र आता है। ऊपर आपको काफ़ी शॉपी मिल जाती है। तो यहाँ पर मतलब देखने के लिए तो यही एक चीज़ है, मतलब दाएं तरफ आपको ओल्ड दुबई और दाएं तरफ आपको मॉडर्न दुबई और बाएं तरफ आपको नज़र आता है ओल्ड दुबई सारा। फिर इसी तरह जब आप दुबई फ्रेम से नीचे आने लगते हैं तो लिफ्ट नीचे आते ही लिफ्ट का जब दरवाज़ा खुलता है तो सामने आपके एक वर्चुअल फार्म के अंदर एक वीडियो चल रही होती है जिसके अंदर दुबई का जो है वो फ्यूचर, जो जितना भी फ्यूचर है दुबई में जो वो करने वाले हैं, जो उनके प्रोग्राम्स हैं, वो सबकी एक वर्चुअल जो है वो वीडियो तो आपको दिखा रहे होते हैं। वहाँ पर खड़े हो गया वो देखें, उसी के बाद आप ऐसे ही बाहर आते आते एक दो चीज़ें आपको और मतलब एक पैसेज नज़र आएगा आपको, वहाँ से गुजरते गुजरते आप लोग बाहर आ जाते हैं ज़बील पार्क के ग्राउंड के अंदर। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर पार्क बना हुआ है, इस पार्क को भी विज़िट करें अगर आपका जॉगिंग करने का मूड हो और आप यहाँ पर जॉगिंग भी कर लें। बहरहाल आई होप कि इस वीडियो के ज़रिए आपको दुबई फ्रेम कैसे पहुंचना है इसका पता चल गया होगा, दुबई फ्रेम में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो भी पता चल गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है किसी नई जगह पर दुबई मेट्रो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अरे ये बड़ी मज़े की चीज़ है, आपको वेलकम कर रहे हैं।